दोस्तों, जब भी आप अपने किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी वेबसाइट को होस्ट करते हो तो आपको उसमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो डोमेन और दूसरा होस्टिंग। ये दोनों चीजें आपको परचेज करनी होती हैं। पर आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आप ये काम फ्री में कर सकते हैं, और वो भी फायरबेस की होस्टिंग पे। और जैसा कि आपको पता है कि फायरबेस गूगल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इश्यू आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो एंगुलर का हो या HTML का हो, उसको फायरबेस की होस्टिंग पे कैसे होस्ट कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। और फायरबेस का आपको पता ही है कि फायरबेस गूगल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल सेफ है। अब दोस्तों, वैसे तो आप इस पे अपना कोई भी प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे होस्ट करेंगे अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट। ये मैंने एक न्यू एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ चार पेज हैं, एक होम है, दूसरा अबाउट, सर्विस और ये कॉन्टेक्ट अस पेज। तो हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे अपनी फायरबेस की होस्टिंग पे। अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं एंगुलर का प्रोजेक्ट होस्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें प्रोडक्शन मोड को ऑन करना पड़ेगा अपनी main.ts फाइल में। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और चलते हैं main.ts फाइल में। तो यहाँ पे इनेबल प्रोडक्शन मोड, ठीक है। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए पहले हम चलते हैं angular.json में। यहाँ पे हमारा आउटपुट पाथ है dist/firebase-project। तो मैं फायरबेस प्रोजेक्ट को हटा देता हूँ और सिर्फ यहाँ पे dist रखता हूँ। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। तो उसके लिए एक कमांड है और वो क्या है, ng build --prod। तो दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्ट अब बिल्ड हो रहा है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है और ये बिल्ड होके यहाँ पे आया डिस्ट फोल्डर में। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि हमें फायरबेस की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं फायरबेस पे। हम यहाँ गूगल में लिखते हैं फायरबेस और हम चलते हैं फायरबेस की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ, मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है। अगर आपके पास फायरबेस का अकाउंट नहीं है तो आप उसको साइन अप करके अकाउंट बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है कंसोल में। ये सारे मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे उसका नाम देना है। हम नाम दे देते हैं फायर प्रोजेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे इसको, ये आईडी है, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। तो ये फायर प्रोजेक्ट ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, तो हम यहाँ कुछ और नाम ट्राई करते हैं कि जैसे यूएक्स फायर बेस। तो यूएक्स फायर बेस अवेलेबल है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर भी यूएक्स फायर बेस ही लिख लेता हूँ। अब हम सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद आपको ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको गूगल एनालिटिक्स वगैरह चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए तो आप इसको ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ। अब हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा क्रिएट हो चुका है, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ चलते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग पे, और यहाँ पे योर एप्स में हमें एक ऐप बनानी है। तो यहाँ पे ये है कि आपको iOS के लिए बनानी है, Android के लिए बनानी है, या फिर ये वेब के लिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी ऐप का नाम दे देते हैं। मैं सेम नाम कॉपी कर देता हूँ, UX Firebase। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपको Firebase होस्टिंग चाहिए, तो हम चेक कर देते हैं। और ये कहाँ होस्ट होगा, UX Firebase पे, जो हमने अभी बनाया है। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये फायरबेस का SDK है। अगर आप HTML प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आपको ये इसकी ज़रूरत है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें फायरबेस CLI को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको हम कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो अब ये फायरबेस टूल इंस्टॉल होगा, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये फायरबेस टूल इंस्टॉल हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें फायरबेस लॉगिन करना है, ये कमांड हमें चलानी है। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ अपनी इस ईमेल आईडी से। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर जैसे मेरे पास दो ईमेल आईडी हैं,
तो मैं चाहता हूँ किसी दूसरी ईमेल आईडी से इसको क्रिएट करना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फायरबेस लॉगिन, उसके बाद -- reauth। तो इस कमांड से क्या होगा कि हम अपनी ईमेल आईडी को स्विच कर पाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फायरबेस इनिट, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आर यू रेडी टू प्रोसीड, तो हमें वाई करना है यानी कि यस। अब उसके बाद ये कह रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें, तो हमें डेटाबेस चाहिए, तो हमें अप और डाउन एरो का यूज करना है और साथ में स्पेस का यूज करना है सिलेक्शन के लिए। तो डेटाबेस चाहिए तो मैं स्पेस क्लिक करता हूँ, उसके बाद मुझे होस्टिंग चाहिए तो मैं स्पेस दबाता हूँ, और इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे है कि यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, तो हम यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करेंगे क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी अभी बना लिया है। अब यहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तो हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, UX फायरबेस, तो हम इस पे सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। और ये पूछ रहा है कि डेटाबेस के लिए कौन सी फाइल यूज करनी है, तो फिलहाल हम यही यूज कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपनी पब्लिक डायरेक्टरी कौन सी रखनी है, तो हमारे पास ये डिस्ट डायरेक्टरी में हमारा सारा डेटा है, तो हम डिस्ट यहाँ पे लिखते हैं, हमें लिखना है DIST और एंटर। अब यहाँ पे कह रहा है कन्फिगर एज ए सिंगल पेज ऐप, रिराइट ऑल URL टू index.html, तो हमें यहाँ पे नो करना है क्योंकि हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें index.html को वैसे ही रखना है, चेंज नहीं करना। यहाँ पे भी हमें नो करना है। अब इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो उसकी कमांड क्या है, फायरबेस डिप्लॉय, यहाँ पे ये कमांड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ हम पेस्ट करते हैं कमांड और एंटर करते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा कोड डिप्लॉय हो रहा है फायरबेस के सर्वर पे। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट अब डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली, और हमें यहाँ पे इसका URL भी मिल गया है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हम सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट होस्ट कर चुके हैं फायरबेस के सर्वर पे। ये हमारा लोकल चल रहा था और ये हमारा फायरबेस की होस्टिंग पे चल रहा है, और ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा हमारा लोकल पे चल रहा था। तो दोस्तों इस टाइप से आप अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं फायरबेस की होस्टिंग पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम चलते हैं अबाउट के पेज पे, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने देखा क्या हुआ, पेज नॉट फाउंड, ये एक इशू है। अब लेकिन अगर मैं अबाउट हटा दूंगा और अब मैं नेविगेट करूंगा, अबाउट का पेज आ जाएगा, सर्विस का पेज आ जाएगा, पर मैं किसी और पेज पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो फिर यहाँ पे पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है firebase.json फाइल में और इस कोड को रिप्लेस कर देना है इस कोड से। ये वाला कोड मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और अब हमें दोबारा प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है, अब हमें दोबारा से इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं फायरबेस डिप्लॉय और एंटर। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है दोबारा से, अब हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये पेज आ गया, अब यहाँ पे नॉट फाउंड नहीं आएगा। हम किसी और पेज पे भी अगर जाके रिफ्रेश करेंगे तो भी वो नॉट फाउंड यहाँ पे नहीं आएगा, अब ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं फायरबेस की होस्टिंग पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।